विधायक राज सिन्हा की पहल पर पूर्व पार्षद मनोज साव ने अनशन किया समाप्त। भागा स्टेशन के समीप फुसबंगला फाटक एक माह के अंदर खुलेगा, आद्रा डीआरएम ने दी जानकारी। झरिया, डेढ़ साल से बंद रेलवे फाटक खुलवाने के लिए पूर्व पार्षद और आम जनों का संघर्ष आखिरकार रंग लाया। डेढ़ साल से बंद फाटक खोलने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद मनोज शाह जहां भागा स्टेशन के निकट रेलवे फाटक के पास पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, वहीं इस मामले को लेकर विधायक राज सिन्हा ने बुधवार को आमरण स्थल पर पहुंचे और आम जनता को होने वाली परेशानियों को देखते हुए आद्रा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार से बातचीत की। उन्होंने धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार, नगर उपायुक्त सत्येंद्र कुमार और डीआरएम एम मनीष कुमार तीनों को फोन पर रेलवे फाटक के ऊपर निर्माण होने वाली ओवरब्रिज के को आगे बढ़ाने तथा फाटक के पास किए गए गड्ढे को भरवा कर आवागमन सुचारू करने की मांग की। आद्रा डिवीजन के डीआरएम ने तकनीकी कार्रवाई को पूरा करते हुए 10 से 15 दिन के अंदर सड़क चालू करने का आश्वासन दिया। हमने कल मैंने कह के गया था कि 24 से 48 घंटे के अंदर ये सब कराएंगे और कल से लगातार हम यहाँ के जिला प्रशासन, नगर आयुक्त, डीआरएम आद्रा, आप सब देखे ही होंगे, कल भी बात किए थे, रात में भी बात हुई, आज सुबह फिर उसको चेंज किया। हमने कहा कि आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए जो आप प्रेस रिलीज देने वाले हैं। वो प्रेस रिलीज आया, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 1 महीने के अंदर खोल देंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि टेक्निकलिटी उसमें काफ़ी है और फिर से हमको सारा सिग्नल वगैरह का लाइन सब ठीक करना होगा, CSR से हमको NOC लेना होगा, यहाँ से बना के हेडक्वार्टर भेजेंगे कलकत्ता, फिर वहाँ से आएगा, फिर हम गेट चालू करेंगे। और इसलिए आज हम लोग यहाँ आए, फिर उसके बाद मैंने मनोज साहू जी से बात किया, वो बोले कि भैया आ जाइए, फिर आए तब तक रेलवे के भी पदाधिकारी आए और आज जो जनता का चिरपरिचित मांग था कि कम से कम काम आज शुरू करा दें, तो आज दोनों तरफ गड्ढे भरने के काम शुरू हो गए और इसके बाद मनोज साहू जी का अनशन समाप्त किया गया। पिछले 14 महीने से करीब बंद, कारण तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक ही कारण समझ में आ रहा है, पदाधिकारियों की उदासीनता, चाहे वो रेलवे के पदाधिकारी हों चाहे RCD के पदाधिकारी हों, यह दोनों के निकम्मेपन से यह काम रुका हुआ है और यहाँ के जिला के जो पदाधिकारी हैं उनका घोर निकम्मापन है। यह साहब 1.5 साल से बंद है और वो महत्वपूर्ण बंद है, 6 दिन से एक आदमी, हटा दीजिए कोई सामाजिक हो या किसी पार्टी का हो, 3 दिन से एक आदमी सड़क पर आमरण अनशन बैठा हुआ है और जिला प्रशासन, उनको कोई चिंता नहीं हो रही है, यह तो निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। यह तो 1.5 साल से सड़क बंद ही आपने दे दिया, नगर आयुक्त ने उसी दे दुर्दा मिले, इसके लिए यहाँ ROB बनाना है और जब ROB नहीं बना है, PWD का, RCD का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया, कोई टेंडर नहीं आया, तो सड़क बंद करके पड़े हुए हैं आराम से निश्चिंत होकर के। आगे उधर सड़क है वो भी कटा हुआ है, बिल्कुल टापू बना दिए हैं, किसी को आवश्यक सेवा ले रहा हो गया, कोई गिर गया, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को प्रसव में जाना है, तो सारे काम ठप पड़े हुए हैं और प्रशासन और पदाधिकारियों के कान पर जू नहीं देख रहा। शर्म मर धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो इतने महत्वपूर्ण समस्या को 1.5 साल से नज़रअंदाज किए हुए थे। जिन लोगों ने भी 6 दिन से आमरण अनशन करते हुए मनोज साहू जी को छोड़ दिया था उनके हाल पर, उनके ऊपर मैं ललनालत भेजता हूँ। वर्तमान राज्य सरकार की भूमिका किस रूप में देखते हैं? बिहार में डूबी हुई है, केवल कैसे नोट को काला को सफ़ेद करे इसमें व्यस्त है, उसको विकास से मतलब क्या है? न विकास से मतलब है, न उन लोगों की सुरक्षा और सुविधा से मतलब है। हम लोग का जनता हम बार बार हमको उसकाया करता था और बोला करता था, क्या मुखिया जी आप यहाँ रहते हुए इतना कष्ट हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। हम पढ़ते, हम 12-16 महीना से हम सुनते तब ये ठान के हम बैठ गए कि हम साला मरें या बचें, हम एक जगह लेके बैठ गए कि अब नहीं, अगर जो खुलेगा तो हम यहाँ त्याग देंगे। तो उस
तो उसका हमारा परिणाम हमको मिल गया। एकदम बन पाएगा, हमारा काम आज से ही चालू हो गया, गड्ढा फड्ढा भराना कल से लाइन का काम शुरू होगा।